मेरे प्यारे साथियों और यहाँ पर उपस्थित मान्यवर, आप सभी को खुशी का जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु आदरणीय वैद्य जी का, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना और राजनीति में कुछ ऐसी टिप्पणियां दी और आज उनकी ही सिफारिश की वजह से मुझे इस पद के लिए उन्होंने चुना। तो एक बार फिर तहे दिल से उनका शुक्रिया। एक कहावत है कि कीचड़ उसी पर फेंका जाता है जो कुछ नाम कमा रहा हो, जो मशहूर हो रहा हो, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर वो छोड़ो, अब काम की बात करते हैं। मैं पूना शहर की प्रथम नागरिक हूं और ये पूरा पूना शहर, इसमें रहने वाले मेरे मतदार मेरे लिए एक परिवार की तरह हैं। उनकी समस्या, उनके विकास का निवारण करने के लिए ही मुझे इस पद के लिए चुना गया है। इसलिए खुर्ची पे 90 दिन मैंने जनता से मांगे हैं ताकि इस शहर के विकास कार्यों में बढ़ावा दे सकूं। हम बहुत जल्द इनका हल निकाल लेंगे। गड्ढों की समस्या है, कचरा व्यवस्थापन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। बस 90 दिन का इंतजार है, हम जरूर इसका हल निकालेंगे। तो फिर मिलते हैं 90 दिन के बाद इसी जगह पर विकास कार्यों का लेखा चिट्ठा लेके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।